ऑल राइट गाइज, तो गाइज अभी रिसेंटली मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग अबू सलीम की तरह वीडियो एडिटिंग में ब्लर किस तरीके से डाल सकते हो, वो भी लेंस ब्लर। उस वीडियो को देखने के बाद ना गाइज काफी बंदों का कमेंट आया कि इसमें जो एप्लीकेशन का यूज किया है आपने वो एप्लीकेशन हमारे फोन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। लेकिन गाइज दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई एक और नया ट्रिक बताएगा और एक नया एप्लीकेशन बताएगा जिसके अंदर आप लोग अपने लेंस ब्लर का यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को ध्यान से देखना और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए वीडियो एडिटिंग में अपने भाई को कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है हम इस चैनल पर हमेशा वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो अगर आप लोग भी अपनी वीडियो के अंदर लेंस ब्लर डालना चाहते हो तो गाइज आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइज सिंपल से यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, सिंपल से इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही करोगे आप लोगों के सामने आप लोगों की गैलरी के अंदर जितनी भी वीडियोज हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से गाइज आप लोग अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो पे आप लोग लेंस ब्लर डालना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो वीडियो हमारी एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी है, ठीक है। इसमें कोई भी लेंस ब्लर या इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाल के बताऊंगा लेंस ब्लर, तो आप लोग भी सीख पाओगे कि किस तरीके से हमें अपने वीडियो पे डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज यहां पे जो वाटरमार्क दे देता है ना इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब डिलीट करने के बाद गाइज अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहूंगा। गाइज आप लोग प्ले स्टोर पर जाना, ठीक है। वहां पर एक सुपर वीपीएन नाम का एक ऐप आता है, ठीक है। उसको आप लोग डाउनलोड करना और कनेक्ट कर लेना, और उसको कनेक्ट करने के बाद ही अपना जो कैपकट है ना उसको ओपन करना, तभी आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फिल्टर्स वगैरह हैं, जो भी इफेक्ट वगैरह हैं, वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर देखो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, ऊपर वीपीएन कनेक्ट है मेरा। इतना करने के बाद गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर देख सकते हो काफी सारे यहां पर टूल्स है, ठीक है। यहां पर देख सकते हो इफेक्ट नाम का एक टूल्स देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। सिंपल से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। करने के बाद गाइस यहां पर भी देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को थर्ड नंबर में बेसिक का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल से इस बेसिक वाले ऑप्शन पर आ जाना। आने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर एक कैमरा फोकस टू करके एक यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर होगा, ठीक है, मतलब इफेक्ट होगा यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे कैमरा से फोकस टू, ठीक है। यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर बाद में भूल जाओगे तो इस पर मैं सिंपल से क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार और क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्लर का ऑप्शन है ना इसको आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा लेना जितना ब्लर रखना चाहते हो। तो मैं इसको रखूंगा 80%, ठीक है, 80% रखूंगा। एंड स्पीड जो है इसकी गाइज स्पीड को मैं थोड़ा सा कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से 26 के राउंड रखूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज यहां से आप लोगों को नीचे से कर देना है डन। एंड डन करने के बाद गाइज अब यहां पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो ब्लर हो चुका है, यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और भी अगर ज्यादा ब्लर करना चाहो तो फिर से इसमें जाना, ठीक है, एंड फिर से एडजस्ट पे जाना और इसका ब्लर जो है इसको हाई कर देना, ठीक है, देन डन। एंड अब यहां पर देख सकते हो काफी ज्यादा ब्लर हो गया हमारा वीडियो, ठीक है, लेंस ब्लर की तरह देख सकते हो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब गाइज अगर इसको बीच बीच में अगर इस लेंस ब्लर को आप लोग डालना चाहते हो, ठीक है, तो किस तरीके से डालना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इस नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है। करने के बाद नीचे जस्ट देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन है, सिंपल से इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना तो इसका जो लेयर है वो एक कॉपी हो जाएगा। इसको सिंपल से लॉन्ग प्रेस करना और इधर की तरफ ले जाना, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं बीच में रख देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर से इस पे क्लिक करूंगा, फिर से इसकी एक कॉपी ले लूंगा, ठीक है, और फिर से कुछ इसी तरीके से इसको लास्ट में सेट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ओके। इतना करने के बाद गाइस अभी मैं अगर आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लैग करेगा, ठीक है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अगर इस वीडियो को देखोगे ये सब करने के बाद तो बहुत ही ज्यादा लैग करेगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हो ना उसके बाद आप लोगों की गैलरी के अंदर ना एकदम स्मूथ चलेगा मक्खन टाइप, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को लैग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बाकी मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लैग हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट जो है हमारा ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, ओके, तो थोड़ा सा लैग हो रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर अपने गैलरी के अंदर सेव कर लोगे और सेव करने के बाद यार आप लोगों का इतना कमाल का एकदम मक्खन तरीके से लेंस ब्लर काम करेगा ना कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है ना। तो एक बार जरूर से इस इफेक्ट को ट्राई करना, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। तो अब गाइज इस वीडियो को अगर आप लोग सेव करना चाहते हो तो सिंपल से इस वीडियो पर क्लिक करना, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट जैसे
ही क्लिक करो, एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये वीडियो गाइज हमारी गैलरी के अंदर ना सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइज मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।